नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी होटल में हूँ और ये मेरा होटल यहाँ गांधीधाम में है। इस रूम में मैं 2 दिन रुका। हर वो एक चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है यहाँ पे। छोटा सा एक रूम, सिंगल रूम, और ये अटैच वॉशरूम, और ये मेरा बेड, सिंगल बेड। तो ये 300 रुपये में अटैच बाथरूम के साथ में हमें ये रूम मिला, और बिल्कुल ही स्टेशन के सामने ही है। स्टेशन के सामने चोपड़ा चौराहा जो है, चोपड़ा सर्किल है, उसी के ऊपर ये रूम है, होटल है। तो आप यहाँ यदि आते हैं गांधीधाम तो रुक सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम यहाँ से गांधीधाम से जाने वाले हैं मोरबी तक बस के द्वारा। बस का सफ़र करने वाले हैं, तो बने रहें पूरे वीडियो मेरे साथ में। आप भी इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। और ये हमारे गेस्ट हाउस का रिसेप्शन है। आप यहाँ आते हैं तो ये विक्रम भाई आपको यहाँ मिल जाते हैं। नया है ये, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और रुक सकते हैं। ये सामने ब्रिज और ये चोपड़ा चौराहा, और इसी के ऊपर यदि हम इधर से आते हैं तो ये दुकानें हैं यहाँ पर, और ये ऊपर मंगल गेस्ट हाउस, ये भाई का नंबर भी है। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, सामने सीढ़ियाँ हैं। चलो इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस स्टैंड चलते हैं। बस स्टैंड यहाँ पास में ही है, और मोरबी के लिए बस देखते हैं कितने बजे मिलने वाली है। और यहाँ पर भाई के पास साउथ इंडियन इडली वड़ा खा लिया है अभी, और ये मेरी चाय है, चाय पी के चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। और ये हाईवे के पास ही गांधीधाम का बस स्टैंड। आइए देखते हैं हमें मोरबी के लिए बस कितने बजे मिलती है। ये सामने इंक्वायरी है, और अभी बताया गया है कि मोरबी की बस अभी आने ही वाली है, देखते हैं। और ये हमारी बस अभी आ गई है, जो यहाँ से बस स्टैंड से निकल रही है बाहर, जो हमें मोरबी तक लेके जाएगी। और अभी हम भाचाऊ बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। ये गांधीनगर से थोड़ा चलते ही आ जाता है, 30 किलोमीटर तकरीबन है ये वहाँ से। तो यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आगे मोरबी की तरफ निकलेंगे यहाँ से। ये यहाँ का पूरा बस स्टैंड का व्यू, और ये पास में एक बड़ा सा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और ये पास में हाईवे चल रहा है, और
ये बाचाऊ का बस स्टैंड, और ये हमारी बस जो पोरबंदर तक जा रही है। हम इसमें मोरबी में उतर जाएंगे, मोरबी से आगे पोरबंदर है। यहाँ हमारी गाड़ी 10-15 मिनट का स्टॉप लिया है। ये होटल है यहाँ पर, और भी रोडवेज है यहाँ पर रुकी हुई है। इस रोडवेज के उस साइड में, ये रोड गाड़ी इसके उसके दूसरे साइड में हमारी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ 15-20 मिनट का स्टॉप, चाय पानी और फ्रेश होने के लिए टाइम दिया गया है, उसके बाद आगे चलते हैं। और ये सामने हाईवे है। और ये हमारी बस जो अभी यहाँ मोरबी से निकली है, और ये मोरबी का बस स्टैंड। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।